प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के ब्लूप्रिंट के बारे में और डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में, क्योंकि जब हमने बहुत सारे बच्चों से बात की तो पता चला कि अभी भी कई बच्चे ना तो ठीक ढंग से क्वेश्चन पेपर के डिजाइन को समझ पाए हैं कि इस बार जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा 10 जून 2021 को हिस्ट्री का, तो क्वेश्चन पेपर का डिजाइन क्या होगा, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, ना ही उन्हें ब्लूप्रिंट का पता है कि कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक सावधानी से देखिए और क्वेश्चन पेपर डिजाइन और ब्लूप्रिंट को बहुत अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए। आगे बढ़ने से पहले, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में चूंकि हम आपको नोट्स और दूसरे स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं, इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर जाइए और उस ग्रुप में शामिल हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बार का डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा। यह आप देख सकते हैं, हिस्ट्री कोड है 027, समय आपको मिलेगा 3 घंटे का लिखने के लिए। इसके अलावा आपको 15 मिनट का समय मिलेगा अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए और प्लानिंग करने के लिए। यह लिखने का समय है 3 घंटे का, जो आपको 10:30 बजे से 1:30 बजे तक का मिलेगा। थियरी का जो पेपर होगा उसमें मैक्सिमम मार्क्स होगा 80। और ये देखिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर बटा हुआ रहेगा। सबसे पहला होगा सेक्शन ए, और सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 16, यानी कि 1 से 16 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे और ये सारे के सारे 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए के बारे में खास बात यह है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, कैरिंग 1 मार्क एंड शुड बी आंसर्ड इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस ईच, अटेम्प्ट एनी 15। यानी कि यहां आपको कुल 15 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, जबकि क्वेश्चन होगा आपके पास 16। यानी कि सेक्शन ए में जो 16 प्रश्न होंगे उनमें कोई एक आप छोड़ सकते हैं और रेस्ट 15 आप जवाब देंगे, जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होगा, 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, 1 सेंटेंस में भी आंसर होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स भी होगा, मैच दी फॉलोइंग भी होगा, रीजन एसर्शन वाले भी प्रश्न होंगे, और आपको ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको इमेज दिया होगा और उसके बारे में आपको नाम के साथ साथ अन्य जानकारी भी मांगी गई होगी। साथ ही ट्रू और फॉल्स वाले सेंटेंस भी हो सकते हैं और सेंटेंस को सही करके लिखिए, ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। तो सेक्शन ए में कुल 1 नंबर के 15 प्रश्न होंगे और इस तरह से आपको कुल 15 मार्क्स का ये सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए को करने के बाद आप सेक्शन बी देखिए। सेक्शन बी में आपके 4 प्रश्न होंगे और ये क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19, 17, 18 और 19, ये 3 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में जो आपको करने होंगे। और ये जो सवाल होंगे ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि 4 ऑप्शन आपको होगा और सही ऑप्शन आपको चुन करके उत्तर लिखना होगा। इन 3 प्रश्न में 17 में 4 सब पार्ट होंगे, 18 में भी 4 सब पार्ट होंगे और 19 में भी 4 सब पार्ट होंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन होंगे और आपको उन चारों में से कोई एक छोड़ सकते हैं, रेस्ट 3 सब पार्ट के आंसर आपको देने होंगे। इस तरह से 3 × 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 3 नंबर का, 18 3 नंबर का, 19
तीन नंबर का, ये कुल आपका 9 नंबर का होगा। यानी कि सिर्फ आप सेक्शन ए और बी को देखें जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो कुल 24 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे। इसके बाद सेक्शन सी की तरफ बढ़िए और सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 ये चार प्रश्न मिलेंगे और हर एक प्रश्न जो है वो तीन नंबर का होगा। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि आंसर टू क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। क्वेश्चन 20 से लेकर के 23 तक जो तीन तीन नंबर के चार सवाल होंगे उसका आंसर मैक्सिमम 100 वर्ड्स में होना चाहिए। यहां आपको ध्यान रखना होगा कि ये चारों प्रश्न कंपलसरी हैं और कोई भी चॉइस आपको नहीं मिल रहा है, यहां पर कोई चॉइस नहीं होगा, चारों प्रश्न लिखने होंगे। इस तरह से तीन नंबर के चार क्वेश्चन हुए तो कुल ये हो गया आपका 12 नंबर का प्रश्न सेक्शन सी में पूछा जाएगा। इसके बाद सेक्शन डी की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 ये जो तीन क्वेश्चन होंगे ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे और इसके बारे में ये कहा गया है कि आंसर टू क्वेश्चंस कैरिंग 8 मार्क्स शुड नॉट एक्सीड 350 वर्ड्स ईच। ये जो 8 नंबर के सवाल तीन होंगे, क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26, ये 8-8 नंबर का एक सवाल होगा, कुल तीन सवाल हुए यानी कि ये 24 मार्क्स का हो गया। और 8 नंबर के जो तीन सवालों के आंसर आप लिखेंगे उनमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 350 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यहां एक खास बात ये होगी कि आपको इन तीनों प्रश्नों में चॉइस मिलेगा अथवा मिलेगा और ये जो अथवा वाला प्रश्न होगा ये भी सेम चैप्टर से होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दो प्रश्न मिलेंगे एक ही चैप्टर से। फॉर एग्जाम्पल अगर हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछा गया है तो दोनों प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के होंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 25 में अगर आपको विजयनगर एम्पायर से दो सवाल पूछा गया है महानवमी डिब्बा के बारे में या फिर वहां की किलेबंदी के बारे में, तो ये दो प्रश्न वहां से होंगे। और क्वेश्चन 26 में मान लीजिए कि आपसे महात्मा गांधी चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर टिप्पणी लिखिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर टिप्पणी लिखिए, तो ये दो दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहां से और इसमें से दोनों में से एक चॉइस करना है आपको और कुल तीन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इसके बाद सेक्शन ई आता है और ये सेक्शन ई आपके तीन सवाल का होगा, क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29, और ये सारे के सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इसके बारे में कहा गया है देखिए कि क्वेश्चन नंबर 27 to 29 आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच। यानी कि 27 के लिए भी 5 मार्क्स, 28 के लिए भी 5 मार्क्स और 29 के लिए भी 5 मार्क्स, तो ये तीन क्वेश्चन हो गए यानी 5×3 = 15 नंबर का आपका सेक्शन ई होगा। ये भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है और सेक्शन बी जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था वो भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था, बट दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि सेक्शन बी में जो केस बेस्ड क्वेश्चन या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा वहां आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, लेकिन सेक्शन ई में जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे वहां आपको एक एक नंबर का और दो 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 नंबर के, सो 1+2+2 5 नंबर के तीन प्रश्न होंगे जिनका जवाब आपको लिखना होगा। और फिर सेक्शन एफ देखिए, सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 30 होगा और ये जो है ये मैप क्वेश्चन होगा, सेक्शन एफ मैप क्वेश्चन होगा और 5 नंबर का एक एक नंबर का 5 सवाल आपको मैप में पूछा जाएगा, सो क्वेश्चन नंबर 35 मार्क्स के लिए होगा। इसमें मैप आइडेंटिफिकेशन के लिए 2 मार्क्स और लोकेशन और लैबलिंग के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपना मैप आंसर बुक के साथ अटैच करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर का डिजाइन होगा
इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, कौन से नंबर का क्वेश्चन किस सेक्शन में पूछा जाएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, उसकी वर्ड लिमिट क्या होगी, ये सब कुछ बहुत आसानी से यहां पर बताया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर ध्यान दीजिएगा तो आपको यहां पर मैं अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो भी मिलेंगे, जो हिस्ट्री के भी होंगे, पॉल साइंस के भी होंगे और अंग्रेजी के भी होंगे, तो आप उनकी मदद से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और साथ ही एंड स्क्रीन पर भी ध्यान रखिएगा, एंड स्क्रीन पर ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि वहां भी आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे और साथ ही आपको इंपॉर्टेंट एक वीडियो भी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। अब तक जो बातें हुई वो बात हुई क्वेश्चन पेपर के डिजाइन के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। देखिए हमारे पास हिस्ट्री का तीन बुक है, बुक वन जो एंसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड है वो 25 मार्क्स का होगा, यानी कि बुक वन में से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुक टू में से अगेन 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुक थ्री में से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तीनों बुक में से 25 25 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 75 मार्क्स हो गया, मैप 5 मार्क्स का हो गया, तो ये टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स। और प्रोजेक्ट जो है वो 20 मार्क्स का होगा, यानी कि ग्रैंड टोटल 100 मार्क्स का हो गया। दोस्तों मैं यहां आपको एक कॉशन यानी कि चेतावनी देता हुआ चलूं कि सोशल मीडिया के ऊपर, खास करके व्हाट्सएप के ऊपर, आपने देखा होगा कि कई तरह के हिस्ट्री के ब्लूप्रिंट घूम रहे होते हैं कि इस चैप्टर में से इतने का प्रश्न आएगा, उस चैप्टर में से उतने का प्रश्न आएगा। प्लीज उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, वो फेक है, क्योंकि पिछले दो सालों से सीबीएसई ने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के ब्लूप्रिंट देने बंद कर दिए हैं। तो ये है सही ब्लूप्रिंट जो आपके सामने है और इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।